व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको यहाँ हिरोशिमा दिखाया था एंड अभी भी हम हिरोशिमा में ही हैं। टोटल हम दो दिन थे यहाँ हिरोशिमा में एंड कल मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि एक तो पूरा दिन बारिश हो रही थी। जब से हम यहाँ आए हैं हिरोशिमा में डेली बारिश ही हो रही है एंड उसके अलावा और ज़्यादा कुछ था भी नहीं यहाँ घूमने का। तो मैंने सोचा कि एडिटिंग कर लेता हूँ एंड अब हमें निकलना है यहाँ हिरोशिमा से। यहाँ हिरोशिमा मेन स्टेशन आ गए हैं एंड यहाँ से अब वापस जाना है ओसाका। अब फाइनली हम एक मेजर सिटी जा रहे हैं जापान की। क्योटो हिस्टोरिक सिटी थी, हिरोशिमा हम सिर्फ देखने आए थे कि भाई सिटी लगती कैसी है जिस सिटी पे एक एटम बॉम्ब गिर चुका है। एंड सच बताऊँ तो मुझे इतनी खास लगी नहीं है सिटी। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ आके स्टे करना। आप ऑब्वियसली डे ट्रिप के लिए आ सकते हो अगर आप ओसाका में रुके हुए हो, क्योटो में रुके हुए हो, तो वहाँ से बुलेट ट्रेन लेके 1.5 घंटा है सिर्फ। अब यहाँ आओ, जो एक दो मेन साइट है वो घूमो, देन यू कैन गो बैक, क्योंकि रुकने वाला कुछ नहीं है यहाँ पे। डू यू ऑल्सो थिंक इट वॉज इन वर्थ इट टू स्टे इन हिरोशिमा? Yeah, I think it's enough to come here for one day trip if you like it. But I find this city really upsetting and it's rainy all the time and it's like gray. But anyway, if you want to see this place, I think one day is enough. Yeah, I also think so. You don't have to stay overnight, right? Absolutely. तो अब हमें 1.5 घंटे की फिर से बुलेट ट्रेन लेके वापस ओसाका जाना है जैसा मैंने आपको बताया। बट उससे पहले कुछ नाश्ता करना है एंड यहाँ कुछ खास दिख नहीं रहा है स्टेशन पे। एंड अपनी टिकट भी रिज़र्व करानी है क्योंकि अगर आपके पास JR पास है, जो हमारे पास है, तब भी आपको मशीन से या फिर जो JR का ऑफिस होता है वहाँ जाके बुलेट ट्रेन की टिकट रिज़र्व करानी होती है, जो आपकी सीट होती है। वरना हो सकता है कि आपको सीट मिले ना एंड आपको खड़ा होकर जाना पड़े। तो वो देखता हूँ, अगर मशीन से रिज़र्व हो जाती हैं सीट्स तो सबसे बेस्ट रहेगा। बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो मेरा पासपोर्ट है, हमारा इंडियन पासपोर्ट, वो यहाँ मशीन में स्कैन नहीं होता। तो अगर वो नहीं होता मशीन से तो ऑफिस से जाके पहले सीट रिज़र्व कराता हूँ। कुछ नाश्ता करते हैं एंड फिर निकलते हैं ओसाका की तरफ। तो ये सामने मशीन्स हैं, इसमें जाके ये अपने JR पासेस डालने हैं एंड बुलेट ट्रेन में जो हमें लेनी है उसमें सीट रिज़र्व करानी है। देखता हूँ ये पासपोर्ट फिर से मांगता है या नहीं, क्योंकि एक बार तो हमने पासपोर्ट ऑलरेडी दिखा दिए थे जब ये JR पासेस चेंज कराए थे। वही दिक्कत हुई जो मुझे लग रहा था, मशीन से तो रिज़र्व हुई नहीं सीट, अब इस लाइन में लगना पड़ेगा सिर्फ पासपोर्ट के चक्कर में, क्योंकि हमारा इंडियन पासपोर्ट बायोमेट्रिक नहीं होता तो उसमें IC चिप नहीं होती जो मशीन में रीड हो जाए। तो फाइनली करा लिया टिकट रिज़र्व। आज की हमारी टिकट है ये 12:03 की, यहाँ हिरोशिमा से शिनोसाका। खाने का तो कुछ खास दिख नहीं रहा इस एयरपोर्ट पे, तो बस वेरोनिका ने एक ये कॉफ़ी लिया है स्टारबक्स की एंड सामने ही 7-Eleven है, तो थोड़े बहुत बस स्नैक्स ले लेते हैं। 20 मिनट में बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन में ही खा लेंगे एंड फिर ओसाका पहुँच के लंच करेंगे आराम से। 7-Eleven तो A to Z हर जगह मिलेगा आपको जापान में। यहाँ पर ये सारा सैंडविच सेक्शन है एंड एक आपको सैंडविच दिखाता हूँ जो जापान में बहुत खाते हैं। ये इस सैंडविच के अंदर क्रीम और अलग अलग फ्रूट्स लगा के खाते हैं, जैसे ये वाला ब्लूबेरी के साथ है, स्ट्रॉबेरी के साथ, कीवी के साथ, अलग अलग खाते हैं। एंड ये सारे रेडी टू ईट मील्स हैं जो मैं आपको काफ़ी बार दिखा चुका हूँ। तो बस ये थोड़े बस स्नैक्स लिए हैं मैंने, तो यहीं से ले ली 7-Eleven से कॉफ़ी। एंड ये राइस एंड इसके ऊपर ये एग है, ये वाले स्नैक्स सबसे ज़्यादा चलते हैं यहाँ पर। अब हमें जाना है सामने शिनकानसन डिपार्चर्स। एंड एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अगर ये मैं JR पास मशीन में ऐसे उल्टा भी डालूँगा तो भी आगे से वो सीधा ही निकलेगा। शिनोसाका एंड टोक्यो के लिए 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। इन्हीं दो प्लेटफॉर्म से चलती है यहाँ हिरोशिमा में, अगर आपको ओसाका या फिर टोक्यो जाना है। तो ये जो सामने बुलेट ट्रेन खड़ी है यही लेनी है, हमें जाना है 12 नंबर कार में। ये वाली ग्रीन कार है जो बिजनेस क्लास होती है। इस बार तो बैग ऊपर ही रखती है, वैसे तो एक डेडिकेटेड जगह होती है रहने का। I sit by the window. I have to record. You sit here. Yes. Come here. अब 1.5 घंटा बैठना है बुलेट ट्रेन में। बाहर अभी भी हो रही है बारिश। तो यहाँ शिनोसाका स्टेशन तो पहुँच गए हैं एंड ये जो स्टेशन है ये भी थोड़ा दूर है अभी मेन ओसाका सिटी से। तो अब होटल तक जाने के लिए एक लोकल ट्रेन और लेनी है। अब मेट्रो लेके पहुँचे हैं यहाँ के यादवयोबाशी स्टेशन। बट ये जो हमने टिकट ली थी 190 येन की, ये नहीं लेनी थी मुझे 240 वाली लेनी थी। बट ये अच्छी चीज़ होती है जापान में,
कि अगर आपने सस्ती टिकट ली है तो यहाँ पर ऐसी फेयर एडजस्टमेंट मशीन होती हैं जिनमें जाके आप अपना बाकी का फेयर दे दो एंड देन आप एग्जिट कर सकते हो। दिखाता हूँ आपको टिकट डाल के, ये आ गया कि 50 येन और देने हैं हमें, 240 वाली टिकट लेनी थी। तो ये होटल जिसमें हम स्टे कर रहे हैं बेस्ट वेस्टर्न प्लस, तो बस होटल में कर लिया है चेक इन। एंड यार टोक्यो ओसाका जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं सब में रूम का साइज़ इतना छोटा होता है, जबकि ये 4-स्टार होटल है बेस्ट वेस्टर्न प्लस। वो तो हमें हिरोशिमा में इतना बड़ा अपार्टमेंट मिल गया था, बट ठीक है अगले 3 नाइट हम यहाँ पर हैं ओसाका में। तो जिस एरिया में हमें जाना है ओसाका के, उसका नाम है दोतोनबुरी। दो सबसे मेन एरिया है ओसाका में, एक तो ये दोतोनबुरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस एरिया में सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सारे बार्स हैं, पब्स हैं जो सेंटर होता है। एंड दूसरा एरिया इनका नाम्बा है, वो भी वहाँ से सिर्फ 5 मिनट दूर है, वो नाइट लाइफ के लिए फेमस है अपनी। तो यहाँ से आई थिंक हमें एक और मेट्रो लेनी पड़ेगी, 3 स्टॉप हैं जो हमें उतारेगी उस स्टेशन पे। होटल के बिल्कुल सामने ही मेट्रो स्टेशन है। इस बार ये सही वाली टिकट लूँगा, 240 वाली, पिछली बार ये ले ली थी मैंने 190 की, तो वहाँ पर फेयर एडजस्ट करना पड़ा था। तो अब आ गए हैं ये मेन एरिया में, यहाँ से 5 मिनट की वॉक पे ही वो दोतोनबुरी है जगह जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं पहले लंच के लिए। तो पहले लंच कर लेते हैं फिर आपको दिखाऊंगा ये पूरी सिटी ओसाका। सेकंड लार्जेस्ट सिटी है जापान की एंड ओसाका जापान की फर्स्ट कैपिटल भी थी। सबसे पहली कैपिटल ओसाका थी, देन क्योटो एंड देन फिर टोक्यो। तो यहाँ सामने से स्टार्ट है ये दोतोनबुरी स्ट्रीट। खाने पीने के लिए सबसे फेमस स्ट्रीट है ये ओसाका की एंड ये रेस्टोरेंट मुझे हर जगह दिखा, क्योटो में भी था, हिरोशिमा में भी था एंड अब यहाँ ओसाका में भी है। इतना बड़ा सा ये जाइंट क्रैब लगाया हुआ है डिस्प्ले पे। तो ये दोतोनबुरी इनकी 650 मीटर लंबी शॉपिंग स्ट्रीट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स एंड शॉपिंग के लिए दुकानें हैं एंड जिस रेस्टोरेंट हमें जाना है वो भी इसी स्ट्रीट पर ही है। लुक्स नाइस राइट। तो ये स्ट्रीट तो काफ़ी मस्त एंड वाइब्रेंट लग रही है। अभी तो दिन के 3 बजे हैं बट आई थिंक अगर शाम को यहाँ पर आएंगे तो माहौल बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। ये इतना मस्त लग रहा है कि यहाँ रेस्टोरेंट वालों ने ऐसी खाने पीने की 3D फिगर्स बनाई हुई हैं। ये एक फेमस जापानीज डेजर्ट होता है। लंच के लिए ऐसी ये जो कन्वेयर बेल्ट वाली सुशी होती है ये खाने आ गए। सबसे बेस्ट चीज़ लगी यार ये हमें कि अपने हिसाब से खाओ, जो आपको खाना है जो पसंद है ना ऑर्डर करना पड़ता, सीधा आओ एंड खाना स्टार्ट कर दो। एंड हर जगह ये टैप लगे होते हैं ग्रीन टी के लिए। अब आपको दिखाता हूँ ये पूरी स्ट्रीट एंड इसके बाद शाम को नाम्बा वाला एरिया दिखाऊंगा। आज हम ओसाका एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि कल हमें जाना है नारा, जो सिटी में आपको बता रहा था अपने हिरन के लिए फेमस है। क्योटो से हम नहीं जा पाए थे तो इसलिए ओसाका से जाएंगे कल, इसलिए आज आपको ये पूरा ओसाका की जो मेन मेन चीज़ें हैं देखने वाली, ये खुद भी घूमता हूँ एंड आप लोगों को भी दिखाता हूँ। इतना मैंने कहीं नहीं देखा कि हर रेस्टोरेंट वाले ने इतने बड़े बड़े ये 3D फिगर लगाए हुए हैं खाने के, बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड लग रहा है ये। एंड इस स्ट्रीट पे भी इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है कि आप साइकिल नहीं ला सकते, सिर्फ पैदल चलने वालों की स्ट्रीट है। एंड वेरोनिका यहाँ सामने से ले रही आइसक्रीम। ये दो बहुत ही फेमस जापानीज डेजर्ट होते हैं, एक तो ये मोची, ये जो चावल होता है उसके आटे की बनती है, एंड ये है स्ट्रॉबेरी टोंगुलू। वेरोनिका ने एक केक लिया। एंड अगर किसी भी कंट्री की फेमस फूड स्ट्रीट हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंडियन रेस्टोरेंट ना हो, यहाँ पर ये इंडियन रेस्टोरेंट है। एंड मेन स्ट्रीट के साथ कनेक्टेड ऐसी बहुत सारी ये कवर्ड स्ट्रीट्स हैं और चीज़ें शॉपिंग के लिए। जो क्योटो में निश्की मार्केट थी बिल्कुल वैसी सी है, इवन हिरोशिमा में भी थी ऐसी मार्केट। तो आई थिंक ये जापानीज स्टाइल की मार्केट आप बोल सकते हो कि हर सिटी में है। ये जो आप सबसे अजीब सी बिल्डिंग देख रहे हो ये आगे हमारे सामने डोंकी होते, जो सबसे फेमस यहाँ ग्रोसरी चेन है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत सामान जो घर के लिए लेना है, थोड़े बहुत स्नैक्स, वो यहीं से ले लेते हैं। ये सबसे बड़ा डोंकी होते लग रहा है मुझे। डोंट गेट सॉल्ट लेमन, सॉल्टेड लेमन ऑलरेडी मैं आपको दिखाता हूँ हमने कितने फ्लेवर ले लिए हैं। ये मेलन, सॉल्ट लेमन,
साके, ये दो डब्बे लिए हैं माचा के, ये है आपका स्ट्रॉबेरी कुकीज़ एंड क्रीम, यहाँ पर ये डार्क चॉकलेट है, चॉकलेट मिंट है, ऊपर और फ्लेवर है मिल्क टी। एंड घर के लिए एक तो यार ये साके की बॉटल लेनी है जो जापानीज अल्कोहल होती है, तो साके तो मैं ये वाली ले रहा हूँ, ये मैंने गूगल पे सर्च किया, काफ़ी बढ़िया साके है, कभी मैंने ट्राई नहीं करी है लाइफ में। एंड ये देखो आप, यहाँ पर ऐसी भी ये कोई लिकर मिल रही है, व्हाट इज दिस लिकर? आई डोंट नो। ये चीज़ें आपको जापान में ही मिलेंगी। एंड यार एक टिप मैं आपको देता हूँ कि जब भी आप जापान में घूमो तो हमेशा अपना पासपोर्ट अपने साथ रखना, क्योंकि यहाँ अगर आप कहीं से कुछ भी खरीदोगे तो हर जगह टैक्स फ्री शॉपिंग होती है, 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, बट उसके लिए आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अभी हमने इतना सारा सामान लिया था बट फिर याद आया कि पासपोर्ट साथ में है ही नहीं, तो हम टैक्स फ्री नहीं ले सकते, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाद में आके फिर से लेंगे, क्योंकि यार 10% डिस्काउंट काफ़ी होता है। एंड होटल हमारा पास में ही है, तो मैंने सोचा फिर से आ जाएंगे अपना पासपोर्ट लेके, तो हमेशा अपना पासपोर्ट साथ रखना। तो दोतौनबुरी जो स्ट्रीट थी उसकी बैक साइड पे ये है पूरा इनका नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर सारे ये नाइट क्लब्स हैं। तो ये तीन एरिया बिल्कुल इकट्ठे हैं, दोतौनबुरी, शिनसाईबाशी एंड नाम्बा। शिनसाईबाशी वो एरिया था जहाँ पर रिवर थी एंड डोंकी होते था, ये सबसे लाइवली एरिया है पूरे ओसाका का। अगर आपको नाइट लाइफ इन्जॉय करनी है तो मैं यहाँ स्टे करना रिकमेंड करूँगा। एंड आज वैसे भी सैटरडे नाइट है तो रात का सीन बहुत ही अच्छा होना चाहिए स्पेशली, तो रात को भी हम यहीं वापस आएंगे। मैंने आपको रात को भी सीन दिखाऊंगा कि यहाँ नाइट क्लब के बाहर क्या सीन होता है जापान में। टोक्यो में तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ही नाइट लाइफ पे, बट आपको ओसाका की भी दिखा दूंगा। एंड क्योंकि अब शाम के 5 बज गए हैं, सारे रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए हैं, तो भीड़ का लेवल ही अलग हो गया है यहाँ पे। एंड यहीं नाम्बा में ये एक पूरी स्ट्रीट है जहाँ पर ये लाइन में इतने सारे कैसीनोज हैं, जिनमें आपको अलग अलग जापानीज गेम देखने को मिलेंगी, नॉर्मल कैसीनो नहीं है ये, बहुत सारी अलग अलग जापानी स्लॉट मशीन हैं अंदर। एंड ए टू जेड सारे कैसीनो भरे पड़े हैं, इतना गैम्बल कर रहे हैं यहाँ लोग। एंड यार इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया वॉक करते हुए, बट ऐसा लग रहा है कि सारा ही ये सेंटर है। जापान में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर पब्लिक में स्मोकिंग करना बिल्कुल इलीगल है, तो आप रोड पर चलते चलते सिगरेट नहीं पी सकते। ऐसे हर जगह डेजिग्नेटेड स्मोकिंग रूम बने हुए हैं जहाँ पर आप अंदर जाके अपनी सिगरेट पी सकते हो। तो अब आए हैं वापस यहाँ नाम्बा में, देखने की नाइट लाइफ कैसी लगती है। बस जो मेन स्ट्रीट है वहीं जा रहे हैं, अभी मेट्रो स्टेशन से बाहर आए हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया होटल में। एंड पिछले 3-4 दिन से डेली यार यहाँ बारिश हो रही है, मतलब हल्की हल्की बारिश होती रहती है, तो ये टाइम मुझे पता नहीं था जापान में कि बारिशों का टाइम है, वरना मैं और कोई टाइम चुनता जापान आने के लिए, क्योंकि बारिश मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, ना आप घूम पाते ढंग से, ना कुछ रिकॉर्ड हो पाता। कल भी मैं इसीलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बट अभी थोड़ी सी रुक गई है बारिश, तो जितना हो सकता है आपको यहाँ की नाइट लाइफ दिखाता हूँ। शाम को बहुत अच्छा लग रहा है, चलो। तो इस वक्त लग रही है ये स्ट्रीट बहुत ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, मुझे लग रहा था बल्कि रात को ज़्यादा भीड़ होगी सैटरडे नाइट की वजह से। डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई सम स्ट्रीट फूड नाउ और नो? आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, या। You should try this famous topoyaki. It's this famous dish everyone was eating. It's like from Osaka. You know, you will hate me for this, but you know what I feel like eating? What, McDonald's? Yeah. And you can try Japanese McDonald's. It must be different. Yeah, I want. So ye hai traditional melon bread. Garam bread hai aur beech mein thandi ice cream. Veronica, try it. Okay. It's like a sweet kebab. This bread is very soft. It's not like bread really. Okay. It's more delicate, so mostly you can taste ice cream. And पीछे भी एक इतना इंटरेस्टिंग बार था, वहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि आप अपना खाना ला सकते हो बाहर से, ये मैंने किसी बार में नहीं देखा पूरे वर्ल्ड में। तो हम सोच रहे हैं मैकडॉनल्ड से थोड़ा बहुत खाना लेते हैं एंड उसी बार में जाके फिर एक एक बियर पीते हैं। यार ये कॉन्सेप्ट सही है कि अगर बार के पास अपना खाना नहीं है
तो वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप बाहर से कुछ भी लाओ जो आपको पसंद है एंड बस उनके बाहर से ड्रिंक लो, आराम से बैठो। लाइव सिंगिंग चल रही थी तो बहुत ही अच्छा एटमोसफियर था उस बार का।